Hello, class 11th students. We learned last class and learned the poem, and I have gave you a homework that you have to recite it and revise it. Now I am revising the line number 4 to 15 or second line stanza. Was her past minus her laughter both wild with the labored ease of loss. The meaning of this statement, in this line the poet say that her mother used to consider the photograph as an inroad to past that she had left behind. यानी उसकी राइटर या पोएट की जो फोटोग्राफ देख रहा था वो पुरानी की पुरानी मेमोरी जो उसको छोड़ आया है रोड पर छोड़ा ना यानी पुराना सब कुछ छोड़ा रहा उसको याद कर रहा. ऑन द अदर एंड द पोएट हरसेल्फ कंसीडर्ड द मेमोरी ऑफ हर मदर लॉफिंग एज अ रेलिक ऑफ द पास्ट दैट शी मिस्ड एवरी डे. रेलिक रिपल का टाइप का यानी शॉर्ट बहुत कोई झटके से कोई चीज हो जाती है वह कहलाता है पास्ट दैट शी मिस्ड एवरी डे. इन both cases the memories of the past made the two women contemplating them feel disappointing as they tried hard to come to term with what they had lost. yani kya ho gaya ye sari ki sari ut memories hain jisme wo apni purani yaadon aur jo wo inko chhod kar aa gaya hai jo unko चले गए इनको साथ छोड़ के उनको देखकर वो कैसा हो रहा है डिसपॉइंट यानी दुखी फील कर रहा है. ठीक है तो ये दिस इज द मीनिंग ऑफ. नाउ द लास्ट स्टेंजा. नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ हर सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल इट्स साइलेंस साइलेंस. द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. In this line, the poet says that her mother has been dead for the past 12 years. उसकी मदर लास्ट 12 साल में खत्म हो गई थी. That is the same number of year that was the age of her mother in photograph she had been looking. वह है उतनी ही एज की उसकी मदर की फोटोग्राफ था जब वह उसको देख रहा था. The poet is able to think of her mother's death but she has no word with which to explain how that death was affected her. Lekin jo poet hai uski mother khatam ho gayi thi aur woh soch raha tha ki uski mother ki death ne usko kaisa explain kiya bata nahi sakta. The fact that the death has silenced her mother has also left her speechless. अब उसकी जो मदर की डेथ हुई थी वह उसको बिल्कुल शांत कर गई और अब वो उसको बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था. ठीक है या द्रवित कर गई. एक बार लास्ट में मैं फिर से इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर. गत्ते पर चिपका फोटोग्राफ बैट डाली दो चचेरी बहनों को दिखाता है जो कवित्री की माँ के साथ समुद्र में तैरने गई थी. उनमें से प्रत्येक कवित्री की एक कैमरा था. तीनों कैमरे की तरफ मुंह करके शांत खड़ी रहीं. उन्होंने मुस्कुराने के लिए अपने बाल एक तरफ झटके. इस प्रकार यह फोटोग्राफ तीन मुस्कुराते हुए चेहरे प्रस्तुत करता है. कवित्री की माँ का चेहरा अत्यंत प्यारा है. यह उसके जन्म से पहले के समय का है. उनके पैर जो समुद्र के जल द्वारा थोड़े समय के लिए दो संकेत देती है. समय बीतने के साथ माँ के चेहरे में परिवर्तन हुआ है. समय बीतने के साथ यूं कह लीजिए कि 20 या 30 वर्ष पश्चात कवित्री की माँ इस फोटो पर हंसती है. वह है यहाँ पर संकेत करके याद करती है कि वह समुद्र पर छुट्टी मनाने गई थी तो बेट्स और डाली ने समुद्र तट के लिए सैम को किस प्रकार की वेशभूषा से सुसज्जित किया था. वह इस संक्षिप्त पोशाक को देखकर हंसती है. समुद्र की यह छुट्टी उसके भूतकाल का अंश है. उसकी हंसी कवित्री के लिए वास्तविक और सुखद है. यह उसके लिए बहुमूल्य स्मृति है. उसकी छुट्टियां और हंसी दोनों
ये एक विडंबना पूर्वक ढंग से आनंददायक है क्योंकि वह उस हानि से जुड़ी हुई है जिसकी पीड़ा से मुक्ति के लिए बल देने की आवश्यकता पड़ती। अब कवित्री की माँ को मरे हुए लगभग उतना ही समय हो गया जितना समय चित्र वाली वह लड़की जीवित रही। कवित्री अपनी माँ के देवस्थान की घटना पर कुछ शब्द कहने में स्वयं को असमर्थ पाता है। यह एक गंभीर क्षण है तथा इसकी चुप्पी उसे शांत कर देती है। इस प्रकार कवित्री अपनी माँ को श्रद्धांजलि समर्पित करती है। यह वह फोटोग्राफ है जो उसे द्रवित करके चुप करा देता है। इसका हिंदी वर्जन मैंने आपको वो तो बता दिया है। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप करें। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चंस आंसर अ फोटोग्राफ पोयम। ए, इन्फर द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टेंट पेडलिंग ट्रांजिस्ट। नाउ लुक अप द डिक्शनरी टू सी इफ योर इंटरफेरेंस इज राइट। यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है पेडलिंग। अब पेडलिंग का मीनिंग पोएम में और आपकी डिक्शनरी में क्या है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। वही पूछा गया है, पेडलिंग ट्रांजिस्ट वेडिंग द वॉटर इन वेयर फीट टेम्परेरी। जब आप नंगे पैर समुद्र पर ऐसा ऐसा करते हैं लेयर पे या चलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पेडलिंग ट्रांजिस्ट बोलते हैं। डिक्शनरी में इसका मीनिंग दिया हुआ है पेडलिंग ट्रांजिस्ट वॉकिंग थ्रू शॉलो वाटर इन बेयर फुट फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम। बहुत छोटे टाइम के लिए समुद्र के किनारे बालू पर जब आप चलते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी होता है, वो पैडलिंग ट्रांजिस्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर टू, थिंक इट आउट। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोयम, व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज्ड। कार्डबोर्ड किस शब्द की ओर संकेत करता है और इस वर्ड का क्या यूज है। द वर्ड कार्डबोर्ड इन द पोयम रेफर टू द फोटोग्राफ ऑफ द पोएट्स मदर एंजॉइंग अ सी हॉलीडे विद हर टू कजिन व्हेन शी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। जब ऑथर या पोएट की माँ 12 साल की थी तब यह फोटोग्राफ लिया गया था जब वो छुट्टी मनाने गई थी। द कार्डबोर्ड स्टैंड फॉर द फ्रेम दैट सपोर्ट and hold the photograph, it signifies that life is transient and what remains is an insignificant piece of paper. यही ये बताता है कार्डबोर्ड। एक्चुअल में क्या बता रहा है कार्डबोर्ड, उसकी मदर की फोटो को बता रहा है। मदर उसकी डेड हो गई है, ठीक। अब यह बता रहा है कि जो फ्रेम में फोटो लगा हुआ है वो फ्रेम आपके पास एक टाइप की याद रह गई है और जो पुरानी और यादों को बताता है और इसका कोई पेपर के अलावा कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। व्हाट इज द कैमरा कैप्चर्ड। द कैमरा हैज कैप्चर्ड सम हैप्पी चाइल्डहुड मोमेंट ऑफ द पोएट मदर। कैमरे ने क्या कैप्चर किया, क्या उतारा, तो उसमें आंसर है कैमरे ने मदर पोएट की मदर के बचपन की फोटो को उतारा। व्हेन शी हैज गॉन फॉर अ सी हॉलीडे विद हर टू कजिन डॉली एंड बेड। जब पोएट अपनी बहनों डॉली और बेड के साथ समुद्र किनारे छुट्टी मनाने गई थी। द गर्ल वेयर पैडलिंग इन द वॉटर एंड एंजॉइंग द मोमेंट। लड़कियां समुद्र के किनारे ऐसे नंगे पैर चल रही थी और इंजॉय कर रही थी। द फोटोग्राफ क्लिक्ड बाय द मदर्स अंकल शो द गर्ल इनोसेंट स्माइलिंग फेस वाइल देयर हेयर वॉज फ्लाइंग ओवर देयर फेसेस। यह फोटोग्राफ उनके अंकल के द्वारा लिया गया था और इसमें मदर और उनकी मदर के चेहरे पर बाल उड़ रहे थे। व्हाट हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू। बहुत समय होने के बाद भी किसमें परिवर्तन नहीं आया और आप इसमें क्या सजेस्ट करते हैं। टाइम हैज मूव्ड ऑन बट व्हाट हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर इज द सी। समय बदलता गया लेकिन कुछ नहीं बदला, तो वह समुद्र है।
इट इज इमोर्टल, यानी जो कभी मरता नहीं है, खत्म नहीं होता. इट अपीयर्स टू बी द सेम टूडे एज इट लुक्ड इन द ओल्ड फोटोग्राफ. वह आज भी वैसे ही दिखता है जो ओल्ड फोटोग्राफ में दिखता था. इट सजेस्ट द एटर्निटी ऑफ द सी. इट ऑल्सो ब्रिंग आउट द ट्रांजिस्ट नेचर ऑफ मैन वेन कंपेयर टू नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट. यानी आदमी के साथ तो परिवर्तन होता, ट्रांजिस्ट यानी परिवर्तन होना, ठीक है, परिवर्तनशीलता, लेकिन जो नेचर है वो परिवर्तित नहीं हो रहा. द प्रेटी फेस एंड द फीट ऑफ द थ्री गर्ल आर टेरेबली ट्रांजिस्ट और मॉर्टल वेन कंपेयर टू अनचेंजेबल एंड इमोर्टल सीन. अब देखिए, मदर के फेस में भी, बॉडी में भी, पैरों में भी चेंज हो गया, ठीक, और बहुत ज्यादा चेंज हुआ, लेकिन समुद्र में कोई भी चेंज नहीं हुआ है. क्वेश्चन नंबर 4, द पोएट्स मदर लव्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लव इंडिकेट. फोटोग्राफ में जो स्नैपशॉट लिया गया था उसमें इसकी मदर हंसती है. Yes, looking student, this portion is not covering in camera. Now I am sending you this PPT file. Now you can copy it. I am explaining here only. The meaning of this, the poet's mother laughed at the snapshot. What did laughed indicate? Snapshot mein poet ki mother hasti hai. Iska kya matlab hai? The poet's mother was a girl of 12 and so the photograph was, and so when द फोटोग्राफ वॉज टेकन. जब पोएट की मदर 12 साल की थी तब यह फोटोग्राफ लिया गया था. द फोटोग्राफ हैज कैप्चर्ड द स्माइलिंग फेस ऑफ पोएट्स मदर. शी लव्ड अ नॉस्टैल्जिया ऑफ द स्नैपशॉट दैट वॉज टेकन ईयर अगो एंड ऑल्सो एट द वे ऑल ऑफ देम वेयर डिस्ड फॉर द बीच. यह तब लिया गया था जब ऑथर की और पोएट की मदर अच्छे से तैयार होके बीच यानी समुद्र किनारे आए थे. शी पॉइंटेड इट आउट टू अदर, परहैप्स दे लुक्ड फनी. दिस लॉफ इंडिकेट दैट द पोएट मदर एंजॉयिंग रिमेम्बरिंग हर चाइल्डहुड डे व्हेन शी वाज यंग एंड फ्री फ्रॉम द टेंशन एंड वरीज ऑफ अ एडल्ट लाइफ. यह फोटो तब लिया गया था जब ऑथर पोएट की मदर चाइल्डहुड में थी, उसको कोई चिंता नहीं थी अपने जवानी की लाइफ की. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन बोथ ब्राई विद द लेबर इज ऑफ द लॉस. इस सेंटेंस का क्या मतलब है? द कॉन्टेस्ट ऑफ द अबोव लाइन इज द मदर्स रिकलेक्शन ऑफ हर चाइल्डहुड डे एंड पोएट्स रिकलेक्टिंग ऑफ हर मदर्स लॉफिंग फेस. यह बताता है कि और पोएट की मदर अपने पुराने दिनों को कैसे याद करती है और पोएट की मदर अपनी हंसी को कैसे उतना महसूस करती है. द मदर हैड फाउंड मेमोरीज ऑफ हर पास्ट बट देयर वॉज अ सेंस ऑफ लॉस ऑफ केयर फ्री चाइल्डहुड डे. वह उन दिनों को याद करती है और खुश होती है और वह जानती थी कि उस समय उसको कोई चिंता नहीं थी. द पोएट्स लॉस रेफर टू ईयर इज द लॉस ऑफ हर मदर थ्रू दैट एंड हर स्माइल. द मेमोरीज इन ईच केस वेयर ब्यूटिफुल बट पेनफुल टू रिकॉल एज टाइम स्लिप्ड अवे सो इजी. जैसे जैसे वो तो समय बीतता गया है, ठीक, तो यह दुखी वाले क्षण की कंपेयर वो क्षण अच्छे थे और वही यहाँ पर पोएट बताना चाहता है. तो ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर हैं, इनको आप नोट करिएगा, यूजफुल फॉर एग्जामिनेशन पर्पस. नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर देता हूँ, आप करके रखिएगा और नोट्स बनाइएगा.